हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था जंपिंग स्टेटमेंट, तो आज का हमारा टॉपिक है स्टोरेज क्लासेस। तो फ्रेंड्स, स्टोरेज क्लासेस क्या होती हैं? जब हम प्रोग्राम में किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल वो कहीं पे स्टोर होता है, ठीक है, तो उस क्लास को बोलते हैं स्टोरेज क्लासेस। द वेरिएबल आर स्टोर्ड इन प्राइमरी मेमोरी एंड सीपीयू रजिस्टर। जो सी के वेरिएबल्स होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं? या तो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होते हैं या फिर सीपीयू के रजिस्टर्स में स्टोर होते हैं। द यूज़र कैन स्पेसिफाई द लोकेशन वेयर ही शी वांट्स टू स्टोर द वेरिएबल। ठीक है, हम खुद उस लोकेशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं जहाँ हमें वेरिएबल को स्टोर करना है। कैसे? बाय यूजिंग द स्टोरेज क्लास एज ए प्रीफिक्स एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम पे हम स्टोरेज क्लास मीन्स जोन सी स्टोरेज क्लास में हमें उसको स्टोर करना है उसका प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं। कहाँ? वेरिएबल डिक्लेरेशन से पहले हम उसे उसका कीवर्ड हम यूज़ कर लेंगे वहाँ पे, ठीक है, तो वो वहाँ स्टोर हो जाएगा। सी लैंग्वेज प्रोवाइड अस विद फोर स्टोरेज क्लासेस, नेमली ऑटोमेटिक, एक्सटर्नल, रजिस्टर एंड स्टेटिक। तो सी लैंग्वेज हमारे को चार स्टोरेज क्लासेस प्रोवाइड करता है, ऑटोमेटिक, एक्सटर्नल, रजिस्टर एंड स्टेटिक। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले देख रहे हैं ऑटोमेटिक। देखो फ्रेंड्स, बाय डिफॉल्ट ऑल द वेरिएबल्स हैव स्टोरेज क्लास एज ऑटोमेटिक। बाय डिफॉल्ट सारे वेरिएबल्स की स्टोरेज क्लास क्या होती है? ऑटोमेटिक होती है। टू डिफाइन द क्लास ऑफ वेरिएबल, बट हमें स्पेसिफिक किसी वेरिएबल की क्लास ऑटोमेटिक डिफाइन करनी हो तो हम क्या कीवर्ड यूज़ करते हैं वहाँ पे? ऑटो कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। द वेरिएबल्स हूज स्टोरेज क्लास इज डिफाइंड एज ऑटो आर क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। मीन्स जिसकी स्टोरेज क्लास हम क्या डिफाइन कर दें? ऑटो डिफाइन कर दें, वो वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली अपने आप क्रिएट हो जाते हैं। और इन्वोक्ड मीन्स डिस्ट्रॉय कब होते हैं? जब फंक्शन ख़त्म हो जाता है, ठीक है, या फिर उसका कंट्रोल फंक्शन का ख़त्म हो जाता है, ठीक है। द वेरिएबल्स हूज स्टोरेज क्लास इज डिफाइंड एज ऑटो आर क्रिएटेड ऑटोमेटिकली व्हेन द फंक्शन इज क्रिएटेड एंड फंक्शन इज इन्वोक्ड एंड डिस्ट्रॉयड व्हेन द फंक्शन रिटर्न्स द कंट्रोल बैक टू कॉलिंग फंक्शन। ठीक है, मीन्स क्रिएट कब हो जाती है ऑटोमेटिकली? जब फंक्शन स्टार्ट होता है। और डिस्ट्रॉय कब हो जाती है? जब फंक्शन ख़त्म होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका सिंटेक्स क्या है? ऑटो, डाटा टाइप और आइडेंटिफायर। मीन्स हम सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? कीवर्ड यूज़ करेंगे ऑटो, और फिर डाटा टाइप और आइडेंटिफायर, जैसे कि हम प्रोग्राम में पहले यूज़ करते आ रहे हैं वैसे ही, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं सेकेंड क्लास। देखो फ्रेंड्स, सेकेंड स्टोरेज क्लास है एक्सटर्नल। द मॉड्यूलर अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग रिक्वायर्स द प्रोग्राम टू शेयर वेरिएबल बिटवीन टू फंक्शन और प्रोग्राम्स। मीन्स अगर हमें वेरिएबल को किसी दो फंक्शन या दो से ज़्यादा फंक्शन या प्रोग्राम्स में शेयर करना हो, सेम वेरिएबल लेना हो, उसकी वैल्यू वहीं से स्टार्ट करनी हो। मीन्स एक प्रोग्राम में हमने जैसे ए को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, उसकी वैल्यू वन और टू ले ली हमने फर्स्ट प्रोग्राम में। अब हम सेकंड प्रोग्राम का यूज़ कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि वही ए हम लें, वही वेरिएबल, और उसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो? स्टार्टिंग से स्टार्ट ना हो, स्टार्टिंग से इनिशियल वैल्यू से वन से स्टार्ट ना हो, बल्कि वन टू हमने ली थी ना, उसके बाद से थ्री से स्टार्ट हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके लिए हम एक्सटर्न का यूज़ करते हैं। द मॉडुलर अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग रिक्वायर्स द प्रोग्राम टू शेयर ए वेरिएबल बिटवीन टू फंक्शन और प्रोग्राम्स। मीन्स किसी भी वेरिएबल को दो फंक्शन या प्रोग्राम में शेयर करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। द स्टोरेज क्लास एक्सटर्नल अलाउ अस टू शेयर वेरिएबल बिटवीन टू डिफरेंट फंक्शंस और प्रोग्राम्स। ठीक है फ्रेंड्स, वही बात है। इट इज़ नेसेसरी दैट द वेरिएबल शुड बी डिफाइंड एज ग्लोबल वेरिएबल इन एट लीस्ट वन प्रोग्राम। ये क्या कह रहा है? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसे एक प्रोग्राम में ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करें। क्यों?
क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल का एसेस कहाँ होता है पूरे प्रोग्राम में, या एक उस प्रोग्राम से बाहर भी हम उसे कहीं भी एसेस कर सकते हैं। बट अगर वो वेरिएबल लोकल होगा तो हम उसे उसी फंक्शन के अंदर ही एसेस कर सकते हैं, और मतलब फंक्शन के बाहर सेम प्रोग्राम में भी उसे एसेस नहीं कर सकते। तो वही कह रहा है कि अगर हमें वेरिएबल एक से ज़्यादा प्रोग्राम या फंक्शन में यूज़ करना है तो उसे एक कम से कम एक प्रोग्राम में तो हमें उसे ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो ही हो सकता है ये। ठीक है फ्रेंड्स, इन अदर प्रोग्राम्स वी कैन एसेस द वेरिएबल बाई यूजिंग द कीवर्ड एक्सटर्न। मीन्स एक फंक्शन प्रोग्राम में हमने उसको ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, अब हमें उसे दूसरे प्रोग्राम में यूज़ करना है तो हम कैसे उसे यूज़ कर सकते हैं? वी कैन एसेस द वेरिएबल बाय यूजिंग द कीवर्ड एक्सटर्न। कीवर्ड एक्सटर्न को यूज़ करके हम उसे एसेस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका सिंटेक्स क्या है? एक्सटर्न, डाटा टाइप और आइडेंटिफायर। वहाँ ऑटो था, यहाँ एक्सटर्न आ रहा है, बस यही डिफरेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें ग्लोबल वेरिएबल यूज़ हुआ। ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? द वेरिएबल विच हैव एसेस एनीवेयर इन द कंप्लीट प्रोग्राम। मीन्स फंक्शन, मतलब ग्लोबल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है? ये एक तो फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होता है, आउटसाइड द फंक्शन, और उसका एसेस कहीं भी हो सकता है प्रोग्राम में, कहीं भी उसको एसेस करा सकते हैं पूरे प्रोग्राम में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास जो कि है रजिस्टर। देखो फ्रेंड्स, टू हैव फास्ट एसेस टू वेरिएबल्स वी कैन स्टोर द वेरिएबल इन सीपीयू रजिस्टर। मींस उनको फास्ट एसेस कराने के लिए, जल्दी से जल्दी एसेस कराने के लिए हम वेरिएबल्स को कहाँ स्टोर करते हैं? सीपीयू के रजिस्टर में। ठीक है, सी लैंग्वेज प्रोवाइड अस ए स्टोरेज क्लास कॉल्ड रजिस्टर। जिस सी लैंग्वेज हमको एक स्टोरेज क्लास प्रोवाइड करती है जिसको हम क्या कहते हैं? रजिस्टर। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स भी क्या होता है? रजिस्टर, डाटा टाइप और आइडेंटिफायर। ठीक है, सेम है सिंटेक्स, तो बस आगे कीवर्ड का यूज़ हो रहा है रजिस्टर। अब देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास है स्टेटिक। स्टेटिक स्टोरेज क्लास वेरिएबल्स इज स्टोर्ड परमानेंट विद इन ए स्पेसिफिक रीजन ऑफ प्राइमरी मेमोरी। वो बाकी सारी क्लासेस कैसे स्टोर हो रही थी, वेरिएबल को कैसे स्टोर कर रही थी? टेम्प्रेरी स्टोर कर रही थी। ठीक है, मीन्स प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो स्टोर कर लिया, और प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो वापिस से डिलीट कर दिया। ठीक है, बट ये स्टेटिक जो है क्लास, वो क्या करता है? परमानेंट स्टोर कर देता है उसको किसी स्पेसिफिक रीजन में। कहाँ? किसके स्पेसिफिक रीजन में? प्राइमरी मेमोरी के स्पेसिफिक रीजन में। एंड बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका सिंटेक्स क्या है? स्टेटिक, डाटा टाइप, आइडेंटिफायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख रहे हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टोरेज क्लास। हमने जो चार स्टोरेज क्लास पढ़ी हैं उनकी अब प्रॉपर्टीज़ हैं। देखो फ्रेंड्स, ध्यान से देखना। ऑटोमेटिक है सबसे पहले। ऑटोमेटिक के लिए कीवर्ड क्या यूज़ होता है? ऑटो। ठीक है, इसकी असेसिबिलिटी रेंज क्या होती है? असेसिबल कहाँ होता है? विद इन द ब्लॉक इट इज़ डिफाइंड। मीन्स जिस ब्लॉक में ये डिफाइन हो रखा है उसी में ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उससे बाहर यूज़ नहीं कर सकते। और इसकी स्टोरेज लोकेशन क्या है? प्राइमरी मेमोरी। एग्जिस्टेंस क्या है? मीन्स कहाँ तक ये एग्जिस्ट कर सकता है, कहाँ तक इसकी एसेस है। From the time of function being invoked till the completion of program, means जब program बना तब से लेकर जब program ख़त्म हुआ तब तक ये exist करेगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है friends, और इसकी default value क्या होती है? Garbage। अब garbage से meaning क्या है यहाँ पे friends? जब हम किसी variable को declare तो कर देते हैं but उसको initialize नहीं करते, और फिर बाद में उस variable को किसी function के अंदर call करते हैं तो वो वहाँ पे उसकी value क्या show करता है? Garbage। ठीक है friends, अब second है external। ठीक है, इसके लिए keyword क्या है? Extern। एसेसिबिलिटी रेंज क्या है? एसेसिबल कहाँ हो सकता है? विद इन मल्टी प्रोग्राम्स। मल्टी प्रोग्राम्स में क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम इसके वेरिएबल्स को। ठीक है, स्टोरेज लोकेशन क्या है? प्राइमरी मेमोरी। और एग्जिस्टेंस सेम है चारों के, एग्जिस्ट फ्रेंड्स चारों स्टोरेज क्लास की एग्जिस्टेंस सेम है। ठीक है,
और इसकी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, गार्बेज। रजिस्टर का कीवर्ड क्या है, रजिस्टर ही है। असेसिबल क्या कहाँ होता है, असेसिबिलिटी विद इन द ब्लॉक इट इज़ डिफाइंड, जिस ब्लॉक में ये डिफाइन हो रखा है बस उसी ब्लॉक में ही हम उसे एसेस कर सकते हैं। स्टोरेज लोकेशन इसकी कहाँ है, सीपीयू के रजिस्टर के अंदर। और एग्जिस्टेंस कहाँ है, एग्जिस्टेंस सेम है चारों रजिस्टर की, तो वो आप ऊपर देख लेना जो ऑटोमेटिक में है वहीं चारों की सेम है। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, गार्बेज। अब लास्ट है हमारे पास स्टेटिक। स्टेटिक की कीवर्ड क्या है, स्टेटिक ही है। असेसिबल कहाँ तक है, रेंज। असेसिबिलिटी विद इन द ब्लॉक इट इज़ डिफाइंड, ठीक है फ्रेंड्स। स्टोरेज लोकेशन कहाँ है, प्राइमरी मेमोरी। और एग्जिस्टेंस चारों की सेम है। एंड जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो क्या है, ज़ीरो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़ स्टोरेज क्लासेस की, ठीक है। तो ये हमारा था स्टोरेज क्लासेस का टॉपिक। नेक्स्ट का टॉपिक है हमारा एरे, ठीक है फ्रेंड्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।